बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ैनब चिली किचन से रमज़ान स्पेशल के लिए मैं आज बना रही हूँ ब्रेड चिकन पैटिस। और उसके लिए मैंने 1 कप बॉयल चिकन लिया है और 1/2 कप मैंने शिमला मिर्च ली, उसको मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। और 2 चम्मच मेरे पास चिली पेस्ट है, 1 कप मेरे पास दूध है, 1 चम्मच मेरे पास मैदा है और 1/2 चम्मच मेरे पास नमक है, 1/2 चम्मच ऑरिगेनो जाएगा और 1/2 चम्मच इसके अंदर ज़ीरा डालेंगे, 1/2 चम्मच इसके अंदर लहसुन लहसुन का पाउडर डालेंगे और 1/2 चम्मच इसके अंदर अदरक का पाउडर डालेंगे। आप इसके अंदर पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। 1/2 चम्मच इसके अंदर ब्लैक पेपर पाउडर जाएगा और 1/2 चम्मच इसके अंदर चिली फ्लेक्स जाएगी, 1 चम्मच इसके अंदर सोया सॉस का जाएगा और 1 विनीगर का जाएगा और 1/2 कप मेरे पास प्याज है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं 1 क्यूब बटर का डालूंगी। बटर को हम अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। सबसे पहले मैं इसके अंदर प्याज डालूंगी। प्याज को हल्का सा हम फ्राई करेंगे, लाइट ब्राउन नहीं करेंगे। इसके अंदर मैदा डाल दूंगी, मैदे को हल्का सा फ्राई करेंगे। शिमला मिर्च डालूंगी, इसको भी हल्का सा फ्राई करेंगे। अब मैं इसके अंदर दूध डालूंगी। इसके अंदर मैं जीरा और ऑरिगेनो डालूंगी, अदरक लहसुन का पाउडर जाएगा और साथ ही मैं इसके अंदर नमक डाल दूंगी। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। 1/2 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर और 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स जाएगी। अब इसके अंदर मैं ग्रीन चिली डालूंगी, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब साथ ही मैं इसके अंदर चिकन ऐड कर दूंगी। करीबन 1 चम्मच मैं इसके अंदर क्रीम का डालूंगी, इसके साथ ये बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही क्रीमी सी स्टफिंग बनेगी। अब मैं इसके अंदर 1 चम्मच सोया सॉस डालूंगी। हमारी स्टफिंग बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये देखिए, दूध बिल्कुल खुशक हो चुका है और ये बहुत ही क्रीमी सी बन चुकी है। अब इसको हम अच्छे से ठंडा कर लेंगे। चल गाइस, यहाँ पे मेरे पास बिल्कुल फ्रेश वाली ब्रेड है। ये देखिए, बिल्कुल फ्रेश वाली मेरे पास ब्रेड है। आप इस ग्लास की मदद से मैं इसको कट करूँगी। देखिए गाइस, हमारे बिल्कुल ये कट हो चुके हैं ब्रेड। ये देखें, अब इसके ऊपर हम स्टफिंग रखेंगे इस तरीके से और इसको हम अच्छे से इस तरीके से बिल्कुल फैला लेंगे। बहुत ही आसान तरीका है ये, रमज़ान में तो बहुत अच्छी लगती है। आप अपने बच्चों के लिए वैसे भी बना सकती हैं, बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। इस तरीके से हम इसको कवर कर देंगे। ये देखें, इस तरीके से बिल्कुल हम इसको बंद नहीं करेंगे। इस तरीके से हम कवर करके इसको रखते जाएंगे। चले गाइस, यहाँ पे मैंने 3 अंडे लिए हैं, मिक्स कर लेंगे। मैं इसके अंदर 1/2 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर डालूंगी, थोड़ा सा मैं इसके अंदर नमक डालूंगी, तकरीबन 2 चुटकी तकरीबन, और गेनो में 1 चुटकी डालूंगी। गाइस, यहाँ पे मेरे पास 1 कप ब्रेड क्रम्स है, इसको अंडे में कोट करेंगे इस तरीके से। और ब्रेड क्रम में डालेंगे, इस तरीके से अच्छे से हम इसको ब्रेड क्रम लगाएंगे। दोबारा से हम इसको अंडे में कोट करेंगे इसके किनारों को।
इसी तरीके से हम सारे कर लेंगे। गैस यहाँ पे मैंने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है, अब इसको हम के अंदर डालेंगे। ये देखिए गैस, इसका बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है। ये देखें, ये देखिए बहुत ही अच्छे से बन चुकी है। अब इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। गैस देखें, ब्रेड चिकन पैटीज बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी बनी है। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। मैं ज़ैनब चिली किचन से अगली वीडियो के साथ हाज़िर होती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।